नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन शाइन क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, स्किन शाइन क्रीम कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये 15 ग्राम की क्रीम है जो हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसकी मार्केट प्राइस 137 रुपये है। जो इस क्रीम का इस्तेमाल चेहरे पे झाई, मुहासे, काले धब्बे, झुर्रियाँ, त्वचा पर हल्के भूरे रंग के धब्बे को दूर करने में किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इस क्रीम में हाइड्राक्विनो टेट्रिनोइन मोमेटासोने फुरेट होता है। फ्रेंड्स, हाइड्रोक्विनोन मुख्यतः आपके चेहरे पर ब्लीचिंग का काम करता है। हाइड्रोक्विनोन का काम आपके चेहरे में मौजूद मेलानिन पिगमेंट को कम करने का होता है। काले और सांवले लोगों में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्रेटिनोइन आपके मुहासों पर काम करती है तथा मुहासों को बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। और मोमेटासोन फुरेट त्वचा पर सूजन को कम करती है और खुजली से राहत दिलाती है। तो ये पूरा काम होता है स्किन शाइन क्रीम का। और आइए जान लेते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, स्किन शाइन क्रीम को एक नाइट क्रीम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल केवल रात में सोने से पहले किया जाना चाहिए। इस क्रीम को लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, उसके बाद इस क्रीम को लगा लें और लगाने के बाद रात भर रहने दें। सुबह चेहरा अच्छी तरह से धो लें और धूप में ना निकलें, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस क्रीम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से राय जरूर ले लें। तो आइए अब जान लेते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट त्वचा का पतला होना, स्किन का लाल होना, त्वचा में जलन महसूस होना, मुहासे उत्पन्न होना, त्वचा में खुजली होना, त्वचा पर लाल चकत्ते निकल जाना, स्किन पर उजले रंग का धब्बे पड़ जाना, त्वचा का शुष्क पड़ना, चेहरे की त्वचा निकलना, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना और आँखों में जलन होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए इस क्रीम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लें। अगर स्किन शाइन में मौजूद किसी भी कंटेंट से आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो स्किन शाइन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।